प्रभात, आज मैं उत्प्रशा आपके सामने बौद्धि धर्मन बना हूँ। शायद आप में से कुछ ही लोग बौद्धि धर्मन को जानते होंगे। आप सबको यह सुनकर बहुत आश्चर्य और निराशा होगी कि बौद्धि धर्मन भारत के निवासी थे। उनका जन्म 5वीं शताब्दी में भारत के कांचीपुरम नामक जगह पर हुआ था। उनके पिताजी एक बहुत बड़े धनी राजा थे, पर बौद्धि धर्मन को धन दौलत का कोई शौक नहीं था। वह कलारी पाइट्टू, जिसे आज के समय में हम कुंफू टाइकोंडो के नाम से जानते हैं, वह कलारी पाइट्टू में माहिर थे और एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक वैद्य भी थे। उनको दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। उनके गुरु महाकश्यप थे। कुछ दिनों बाद उनके गुरु का देहांत हो गया। उनके गुरु की इच्छा थी कि वे चीन जाकर अपनी कला का प्रचार करें। बौद्धि धर्मन को 3 साल का वक्त लग गया था चीन पहुंचने में। वह चीन के एक गांव में पहुंचे, पर गांव वालों ने उनका आदर नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक महामारी का संकट आ गया। बौद्धि धर्मन ने उस गांव को उस संकट से बचाया और गांव वालों को कलारी पाइट्टू सिखाया और गांव के कुछ समझदार लोगों को आयुर्वेदिक ज्ञान भी दिया। चीन के एक शाओलिन मंदिर में उनकी पूजा भी की जाती है। उनको पूरे चीन में उनको लेजेंड ऑफ शाओलिन के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद, आपका दिन।